से देखने पर यह स्पा नॉर्मल दिख रहा था। यहाँ भी छोटे छोटे कमरे थे और कमरों में बेड के अलावा कुछ सामान, लेकिन करोल बाग के इस स्पा सेंटर में नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही थी। इस स्पा सेंटर के हर कमरे में लगे दरवाजे ये बता रहे थे कि ये स्पा प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा था। आप देख सकते हैं कि इन कमरों में जहां धीमी लाइट्स में स्पा सेंटर चल रहा है, तो वहीं नियमों के मुताबिक एक भी कमरे में दरवाजों पर पर्दे नहीं हैं। यही नहीं, जब दिल्ली आज तक की टीम पर्दों के बारे में पूछती है तो फिर मैनेजर ये कहता है कि वो जल्द ही दरवाजे हटाकर पर्दे लगवा लेगा। कानून आप यहाँ पे तोड़ रहे हैं, ये जो कोई बात नहीं, जो है इनसे मैं करता हूँ, कल आपको नहीं पाएंगे से। अधिक कल आप कल मेरे यहाँ दरवाजे नहीं पाएगा, कल आप दरवाजे नहीं पाएंगे, एक भी पाएगा कन्फर्म है, आपके यहाँ पर्दे लगा पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे करोल बाग सीधे जो कानून है मेरे यहाँ जो कि स्पा सेंटर जो मसाज है उस पर दरवाजे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर दरवाजे लगे हुए हैं। देखिए अभी खोलने का क्या है, इस पर तो लगा नहीं है ना, ये कानून सर वो बात अभी ठीक है, लेकिन मैंने आपको कल कहा ना कि जैसे आप कानून पास हुआ है कि भाई लड़की लड़की करेंगी वो जानती जान करेगा, ठीक है ओके, मुझे कोई इतराज नहीं है, मेरे पहले भी होता है अभी यही होगा, लेकिन एक कानून आप सर ये आपकी ये बात मानते हो कि दरवाजे ना दरवाजे नहीं गलत से आप आगे देंगे ना, अरे आपको कोई रूम में दरवाजे पाए पता लगे आपको सर रूम में पर्दे पाएंगे वो गलत सी मतलब गलत करती पाएगी जानती जान करता पाएगा आपका। इतना ही नहीं, इस स्पा सेंटर को भी लाइसेंस नहीं मिला है। मैनेजर के मुताबिक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया है लेकिन मिला नहीं है, जबकि आसपास के लोगों का कहना है कि यह स्पा सेंटर काफी सालों से चलाया जा रहा है। द ग्रैंड स्पा है ये करोल बाग का, एक कानून यहाँ हम टूटता हुआ देख पा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ कमरा होता है, काफी डीम लाइट है यहाँ पर, और इस तरह से जो तमाम क्रीम है जो चीजें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं बकायदा, लेकिन आपके पास लाइसेंस है? हाँ सर, मैं अप्लाई कर रखा, दिखा दूँ आपको मैं अप्लाई कर रखा yes, क्योंकि मैंने अभी नया लिया है ये, क्योंकि पहले इसके ओनरशिप और कोई थे, हमने अभी लिया है। लाइसेंस नहीं आपके पास है? सर अप्लाई कर रखा था, मैं आपका अप्लाई कर अप्लाई कर रखा है, लाइसेंस तो नहीं है ना आपके पास? सर अप्लाई के बाद ही लाइसेंस आएगा ना सर मेरे पास, अप्लाई मेरा आप पर रसीद दिखाते हैं आपको, तो पहले लाइसेंस लेके तब करना चाहिए था ना सर, अप्लाई के बाद तो सर लाइसेंस आएगा ना। आपको मालूम है ना इस वक्त दिल्ली में रेड चल रही है और तमाम चीजें, तो बिल्कुल सर मेरा सर मैं एक्चुअली ओनर मेरे पास आज ओनर नहीं है यहाँ पर, आपको मालूम है ना दिल्ली में अलग अलग जगह रेड चल रही है इतने, ये बात तो आप ओनर से कन्फर्म कर सकते हो ना। दिल्ली आज तक ने यहाँ काम करने वाली महिलाओं से भी बात की, हालांकि बिना चेहरा दिखाए उन्होंने हमें बताया कि ये जो आरोप स्पा सेंटर पर लग रहे हैं वो गलत है, यहाँ सिर्फ मसाज की जाती है। आप मसाज करते हो? जी जी। मतलब कितनी सैलरी मिलती होगी आपको? 15,000 रुपए। किस तरीके से मसाज करते हो आप? कुछ किस तरीके से क्या? फुल क्लोथ्स में करते हैं, प्रॉपर मसाज करते हैं सर, फीमेल की करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आजकल ये चल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हमारे, और आप चेकिंग कर सकते हो, प्रॉपर बेड्स उठा के देखिए, आप रूम्स को चेक कीजिए, बट इस तरीके से आप हमारी प्राइवेसी को खराब नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे आपत्तिजनक मिलता है तब आप ऐसा कुछ बोलिए। अच्छा नहीं, बाकायदा जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है कि स्वाति मर, ऐसा हम कुछ भी गलत नहीं करते यहाँ जी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन की वी आर प्रोफेशनल थेरेपिस्ट। स्पा सेंटर में काम करने वाली इन लड़कियों की दलीलें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमारी तहकीकात में ये बात साफ हुई कि करोल बाग का यह स्पा सेंटर नियम कानूनों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अपना धंधा कर रहा है। एक नियम कानून यहाँ पर टूटता हुआ साफ दिखाई दे रहा है कि दरवाजे, जैसा कि नियम है कि कोई भी मसाज पार्लर हो या स्पा सेंटर हो वहां पर दरवाजे नहीं लगे होने चाहिए, सिर्फ पर्दा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तकरीबन हर कमरे में अगर आप देखेंगे तो दरवाजा लगा हुआ है, यानी सीधे यहाँ पर कानून का उल्लंघन होता साफ दिखाई दे रहा है।